हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, एक्चुअली अभी गुड इवनिंग है। और इस वीडियो के अंदर आज आप हमारे साथ में कई सारे स्थान देखेंगे और आगे आने वाले कई वीडियोस के अंदर जो जयपुर के होंगे उनमें एक ही वीडियो के अंदर एक से ज्यादा स्थान ही आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं जयपुर के जल महल। जल महल से पहले हम जाएंगे जल महल के पीछे, और पीछे जाने से पहले यहाँ पर एक और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, और भी कई सारे स्थान हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो जयपुर का पूरा देखें, जिसमें जल महल और जल महल के आसपास के स्थान आप देखेंगे। जो है वो आ गए हैं जल महल के पीछे की साइड में, और जल महल के पीछे की साइड में यहाँ पर जो मंदिर है संकट मोचन हनुमान मंदिर, उसके तो हम दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं पीछे की साइड में, इससे पीछे की साइड में, इससे पीछे मानसागर झील है, जिस झील के अंदर क्या है कि जल महल बना हुआ है। और इससे पीछे जो यहाँ पर मुझे पानी गिरने की आवाज आ रही है, शायद यहाँ ऊपर से नीचे कहीं से पानी गिर रहा है। और ये खूब सारा हरा भरा बगीचा है, और यहाँ पर अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर, और आगे इस साइड में और भी मंदिर है, राजराजेश्वरी माता के, इस तरह से कई सारे मंदिर और स्थान है। लेकिन हम क्या है कि अभी इस मंदिर के अंदर चलेंगे, तो मेरे पीछे की साइड में है। कितने साल हो गए राजा महाराजाओं से पहले का, मतलब 500-700 साल? अच्छा। और उसके बाद में ये जो दूसरे मंदिर बने हैं बाहर, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब अब बनाए गए? अच्छा। और एक ही साइड में राजराजेश्वरी मंदिर और है, वो भी इतना ही पुराना? वो भी इतना। ये शेरावाली माता जी का मंदिर है, संकट मोचन शेरावाली माता जी मंदिर। अब इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, बैठे हुए हनुमान जी है इस साइड में। यहाँ पर है दोस्तों हनुमान जी का बहुत बड़ा, राम राम कर। दोस्तों अब इसके बाद में हम चल रहे हैं, ये जो आप दीवार देख रहे हैं हमारे पीछे की साइड में, इसके इस साइड में, यानी कि यहाँ से आपको जल महल भी हम दिखाएंगे पीछे की साइड से। और जयपुर में एक चीज तो देखिए, जगह जगह पर कबूतरों को दाना डालने का जो यहाँ पर चलन है, बहुत अच्छा लगा हमें। ये मंदिर जो किले नुमा है, इससे सिद्ध होता है कि ये बहुत प्राचीन है। दोस्तों आगे जल महल के पीछे की साइड में मानसागर झील के किनारे पर, और इसे बोलते हैं जल महल पाल, एक पाल बनी हुई है जिसका एक किनारा तो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा किसी ने बताया था। और जल महल दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर है जल महल, ये पाल बनी हुई है एक तरह से, पानी को शायद रोकने के लिए डैम का काम कर रही है, बोलते पाल है डैम ही। यहाँ पर क्या है कि ऊंची ये जो पहाड़ियाँ नजर आ रही है आसपास की, यहाँ से पानी आता है और इसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है मानसागर झील के अंदर, और यहाँ पर एक कुआं बनाया हुआ है जो मैं आपको बता रहा था। इस पाल के उस साइड में पानी बह जाने की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है पानी यहाँ से उस साइड में जाता हो इस पॉइंट से, काफ़ी गहरा कुआं है। चलिए देखते हैं, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, वरना हम किसी से बातचीत करते। ओहो, अंदर तो बहुत गंदगी है। और पानी की आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है ये नीचे एक दरवाजे जैसा कुछ है जो बाहर पानी भेज रहा हो साइड में। देखिए इस साइड में यहाँ पर है, और नीचे एकदम नीचे तक जाने के लिए ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर से जाती है।
यहाँ पर लोग जो मछलियों को डालने के लिए ब्रेड वगैरह भी लेके आते हैं, कुछ पड़ी है, ट्राई करते हैं मछली है क्या अंदर। ये तो मछलियाँ नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देख लिया जल महल के पीछे की पाल, और हमारा इवनिंग वॉक हो गया। आगे का ही मस्त है, आगे का ही मस्त है, ये मस्त नहीं लगा? ठीक है, लेकिन आगे जितना मस्त है। चलो फिर आगे चलते हैं अब। जल महल के आगे इसी तरह से एक पाल बनी हुई है और उसके ऊपर इसी तरह से दुकानें लगी हुई है जिनमें रंग रंगीले जूते चप्पल कलाकृतियों वाला सुंदर चीजें हैं, कलाकारियों वाला सामान है सारा का सारा। सिया के लिए देखें, ये जूती देखो सिया के लिए, ये रही। ये छोटी नहीं रहेगी, ये आगी आगी। नाम लिख के देते हो पहले से लिखे हुए हैं? लिख के देते हो? अच्छा ये, अच्छा ये खाली छल्ले छल्ले हैं, क्यों नहीं जैसे इसके ऊपर ऐसा लिख दोगे गणेश? यार भाई इस पे वो कितने रुपए में लिख देते हो? कितने रुपए में लिखते हो? 50 रुपए एक के ऊपर। तो ये गाड़ी के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो आ जाए, शायद 120 रुपए की एक जोड़ी। जल महल के अंदर जाना तो मना है, बंद है और काफी समय से बंद है, इसलिए यहाँ से बाहर से ही हम आपको दिखाएंगे। लोग ज्यादातर जल महल पे टहलने के लिए आते हैं शाम को, और जो पर्यटक है वो घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ की जो ड्रेस है ट्रेडिशनल उसमें फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, साथ में कैमल सफारी करने के लिए आते हैं, खूब सारे कैमल है इस साइड में। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कहीं पर अच्छी सी ड्रेस के अंदर फोटो निकलवाते हैं जल महल के आगे खड़े होके। इसके कई दिनों से जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है अभी। देखिए दोस्तों, उदयपुर के अंदर हमने इस तरह की तीनों ने ड्रेस पहनी थी, लेकिन उदयपुर वाले से ज्यादा मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें ज्वेलरी ज्यादा है। और वहाँ की तरह यहाँ पर भी हमने ड्रेस किराए पर ले ली आधे घंटे के लिए, और इसके रुपए हैं 300 रुपए। 150 रुपए जो हमारी एक फोटो हम कागज पर प्रिंट ले रहे हैं उसके 150 रुपए है। ज्यादा बताए तो बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं, ज्यादा फोटो के कम भी कर देंगे। मतलब यहाँ पे आए तो ऐसी फोटो जरूर खिंचाना क्योंकि मतलब कुछ यादें हैं। और शाम के समय ही जल महल पे आए क्योंकि सारे लोग शाम के समय आते हैं, और अच्छा मौसम जो शाम के समय में ही रहता है क्योंकि फेस पे आते हैं। और जल महल आप देख सकते हैं, ये बात तो पता चल जाएगी आपको।
हेलो नमस्ते, वेर आर यू फ्रॉम? बेल्जियम। योर एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड जयपुर जलमहल? My wife is already come in India 40 years ago. I was here before in Jaipur, so everything has changed, but it's nice. What do you like most in India? Culture, fort? The kindness of the people, the nature. We like birds. We saw a lot of beautiful birds. Dress पहन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा देर रखने चाहिए. लगा। ये जो सामान है दोस्तों पूरा पूरा है, एक्चुअली भारी भारी तो है, रेगुलर पहनने वाला नहीं रख रखा है, रबड़ लगा दिया, ये किम्मा लगा रखा है यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरह का है, मतलब एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग यहाँ पर कभी इस तरह से ड्रेस से फोटो नहीं निकलवाई है। और करीब करीब हमारा टाइम पूरा हो गया, तो अब हम इसको खोल देते हैं और उसके बाद में सिया को कराएंगे गाड़ी की सफारी। वेर आर यू फ्रॉम? सिंगापुर। Nice to meet you. Your name? Hi, Raja. Your name? Siti. Spiti. Siti. Siti. It's a video. Yes, we have a YouTube channel. I see. We are making vlog. Oh, that's nice. Yes, yes. So, how many days trip in India you're? 7 days. 7 days. This is our third day. Third day in Jaipur. In India, third. Okay. So tell me about your experience about India. What do you think? People, culture, this. The culture is good. The food is good. Hmm. Although it's a bit spicy, but it's very good. It's very nice country to be in. It's quite cold here. Cool. No, it's quite cold. This is the winter season, so yeah, this is cool. So back in Singapore, it's very hot. Very hot. Yeah. So here it's a bit cold. So first day in. Today is our first day. Jaipur. And next? We're not sure. We have a tour with us. Okay. So we just follow. They decide where to go. Okay. Thank you so much. Thank nice you. To meet you. Thank you. Bye-bye. This is gift for you. Oh, thank you. YouTube channel Shubh Journey. Please subscribe. Okay. This is for you. All the best. Thank you so much. Right. Yes. Shubh Journey ka. Aap kahan se ho? दिल्ली से हूँ। अच्छा, अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। सिया कहाँ है? सिया वो गाड़ी में बैठी है। यहाँ का फिर शूट कर रहे हो आप लोग? हाँ आ गए, हम भी एंजॉय करने के लिए। हाँ आप घूमने के लिए आए हो क्या हमारी तरह? अच्छा, मुझे आपका वो टोडी सिंह, टोडी माँ, टोडा टोडा सिंह का तो बहुत अच्छा लगा, टोडा राय सिंह। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कब से देख रहे हो आप वीडियो? एक महीना हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें भी। अच्छा, एक गिफ्ट। आपकी फैमिली कहाँ है? अभी मैं उनको ढूंढ रही हूँ, मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, उनको ढूंढ रहे थे, हम मिल गए। ये आपको छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। क्या नाम आपका? ख्याति। दिल्ली से आए हो आप यहाँ पर? अच्छा, पहले भी आ चुके जयपुर? हाँ, लास्ट ईयर आए थे। कैसा लगा जयपुर? राजस्थान बहुत अच्छा लगा। बनाते रहो वीडियो। आपको भी थैंक यू सो मच। चल बेटा, चल 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 चल, हटेंगे सब तो अपने। वैसे आप इनकी धुलाई कब करवाते हो? हैं, ये पूरे पड़ जाते हैं हफ्ते के। अबे दिन में कितने लोग पहन के जाते हैं इनको? मैंने आपको कर दिया, बस आपके कहने पर कर दिया, बस और क्या। अगर कोई और आए हमारी तरह तो कितना चार्ज लोगे? आधे घंटे का वही लगता भैया, 300 रुपए आधे घंटे के, 500 रुपए एक घंटे के। ऐसे बहुत था, मतलब हमने जो आधा घंटा लिया काफी था। दोस्तों ये फोटो हमने निकलवाई है यहाँ पर, 150 रुपए चार्ज लगाया है। प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते आप, और ना इसका जो वो होता है ज़्यादा दिन टिकने वाला, क्योंकि कलर वगैरह वाला। ये प्रिंट जो इस तरह से है, लेव वाली क्वालिटी तो नहीं, लेकिन मौके पर मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, मौके पर तुरंत मिल जाती है। ऐसे पूरी यात्रा के दौरान पहली बार प्रिंट लिए है कोई। यहाँ पर जो है वो शाम को काफ़ी अच्छा मेला भरता है रोज़ ही, खासतौर से सैटरडे संडे ज़्यादा, आज सैटरडे संडे दोनों ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मछलियों को दाना डालने के लिए भी आते हैं। दोस्तों इस झील का नाम मानसागर झील है, जो कि राजस्थान के जयपुर के अंदर है,
और जो बीच में आप महल देख रहे हैं वो है जल महल। झील के बीचों बीच होने के कारण इसे आईबोल भी कहा जाता है। रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। जय सिंह द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। स्वयं जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडित के स्नान के लिए इसका निर्माण करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले जय सिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। कई सालों से अंदर पर्यटकों को देखने के लिए जाना बंद है, यहाँ पर बाहर से ही पर्यटक देख करके जाते हैं। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसका प्रयोग राजसी उत्सवों में भी किया करते थे। तपते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से पहाड़ और झील का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। क्या चीज ले रहे हो? ये वाली माला। माला? हाँ। गले में पहनने की है? हाँ, गले में पहनने। अच्छा, ये राजपूती ड्रेस के ऊपर? हाँ। 100 रुपए का एक 150 का दो है। ये दो है ना, 150 की दो? हाँ, 100 रुपए का एक 150। सुन सुन, क्या? मैं कैसा लग रहा हूँ? ज्यादा ही हो गया। एक्चुअली इस बार कई दिनों से पहनी है चश्मा। शुरू में घूम रहे थे तब चश्मा ज़्यादा लगा रहे थे और कुछ चश्मा लगाना भूल गए बीच में। कुछ नहीं, क्या गर्मियों में ज़्यादा जरूरत पड़ती है चश्मा की, पीछे बीच में सर्दियाँ और बारिश आ गई तो जरूरत नहीं रही। एक तरह से दोस्तों ये बहुत ही सस्ता और सुंदर मार्केट है जिसमें जितने पर्यटक आते हैं, जितनी भी नई नई डिजाइन होती है वो सबसे पहले यही मिलती है। हाँ, इसमें जितने पर्यटक आते हैं ना विदेश से भी, वो भी यहाँ पर शाम के समय में घूमने के लिए आते ही हैं। आंटी जी, क्या चीज है ये? है खट्टा मीठा? अच्छा, खट्टा मीठा बोलते हैं इसे गाँव में। क्या बोलते हैं? अमृत। अमृत अमृत बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आंटी जी? स्टार फ्रूट है। स्टार फ्रूट? स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट, ओह ये स्टार हो गया। बाबू बाबू बाबू, हमारा थान गिरेगा। एक प्लेट कितने की? एक प्लेट कितने की? 20 की भी है। अब 20 की एक प्लेट बना दो, चेक करते हैं आज पहली बार स्टार फ्रूट। हाँ, देखेंगे कैसा है स्टार फ्रूट। ये स्टार फ्रूट खाएगी? ये स्टार फ्रूट जो आज हम पहली बार खा रहे हैं और टेस्ट करके बताने वाली सिया की मम्मी। क्या हुआ? खट्टा है तो ये खाएगा कौन फिर? ये एक खा ले सिया, एक एक एक। चलिए हम भी अब स्टार फ्रूट का टेस्ट करते हैं। मुझे लगता है इमली की तरह खट्टा होगा। कितनी ज्यादा मिर्ची है, फिर भी खट्टा लग रहा है। ये कौन खाएगा अब? कोई नहीं खाएगा। पूरे शरीर में कीड़ियां रह गई, बस एक ही खाऊंगा मैं। आगे बता। पूरी है फिट? ठीक है, चलो फिर ठीक है तो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी छोटी लग रही है। ये कितने कितने की वैसे? 150 रुपए ये वाली। ये वाली 150 की और ये वाली? ये वाली 250 की। 100 वो 100 रुपए की। अच्छा, काफी अच्छा मार्केट है। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कभी गन्ने का जूस पियेंगे। अंधेरा हो गया, रात को शायद 9-10 बजे तक लोग रहते हैं यहाँ पर। 10 बजे तक चलता है क्या मेला? 10 बजे तक मेला चलता है क्या यहाँ पर? ये 10 बजे तक लोग रहते हैं कि दुकानें 10 बजे एंड? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जल महल के अंदर रात को लाइटों का भी शानदार दृश्य दिखाई देता है। अभी देखिए लाइटें जल गई है।